म्यूजिकल अगर में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके लिए लेकर आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मोबाइल फोन की और करेंगे उनका आपस में कंपैरिजन कि कौन सा मोबाइल फोन हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला मोबाइल फोन है रियलमी U1 जो कि 28 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। उसके किस लीक के अकॉर्डिंग हम मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करेंगे रेडमी नोट 6 प्रो को जो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मोबाइल आपके लिए अच्छा हो सकता है। हम इन दोनों मोबाइल फ़ोन के कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल जो रियलमी U1 आएगा उसमें हमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें रेडमी नोट 6 प्रो से तो उसमें हमें फ्रंट में दो कैमरा देखने को मिलेंगे 20+2 मेगापिक्सल का, और रियलमी U1 में हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में। और अगर हम बात करें बैक साइड के कैमरा की तो बैक साइड में रियलमी U1 में 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और रेडमी नोट 6 प्रो में हमें 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ नोच के बारे में जो आजकल सभी मोबाइल फ़ोन में आई हुई है, तो रियलमी U1 में वाटर ड्रॉप नोच है जो उसमें रियलमी 2 प्रो में भी है, तो उसमें हमें सेम नोच देखने को मिलेगी। और रेडमी नोट 6 प्रो में हमें आईफोन की तरह की नोच देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं प्रोसेसर के बारे में तो रियलमी U1 में हीलियो मीडियाटेक का हीलियो P70 हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा और रेडमी नोट 6 प्रो में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसमें बैटरी के बारे में तो रियलमी U1 में 3500mAh की बैटरी आ सकती है और रेडमी नोट 6 प्रो में 4000mAh की बैटरी रहती है। और अगर डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो डिस्प्ले इसमें रियलमी U1 में 6.2 इंचेस की रहेगी और रेडमी नोट 6 प्रो में 6.26 इंच की होती है। तो इन दोनों में हम सिम ट्रे की कंपैरिजन कर लेते हैं। दरअसल जो रेडमी नोट 6 प्रो है उसमें हमें हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और जो हमारा रियलमी का U1 है इसमें शायद हमें डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिले, क्योंकि इसके जो पुराने मोबाइल फ़ोन में उन सभी में हमें डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलती थी। और जो रेडमी के मोबाइल फ़ोन है ज़्यादा रेंज वाले कम वालों में तो इन्होंने सब में IR ब्लास्टर या IR रिमोट सेंसर हटा दिया है, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो में हमें IR रिमोट सेंसर देखने को मिल जाएगा और ये सेंसर हमें रियलमी के मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। तो अब हम एक बड़ी बात कर लेते हैं जो रहती है प्राइस के बारे में। तो हम प्राइस ही हमारा डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो जो रेडमी का नोट 6 प्रो है उसका प्राइस रहता है 14,000 रुपये। जो पहली सेल आएगी 23 तारीख को उसमें हमें 1500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और ये इसका प्राइस तो रहता है 14,000 रुपये, यही मान के चलेंगे हम रेडमी का। और जो हमारा रियलमी U1 आएगा उसका प्राइस लगभग 17,000 या 16,000 के आसपास रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि कौन सा मोबाइल फ़ोन आपके लिए बेटर है। प्राइस रेंज को ही देखकर हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि कौन सा मोबाइल फ़ोन हमें खरीदना चाहिए या हमें रियलमी U1 की वेट करनी चाहिए या नहीं। तो आप देख रहे थे म्यूजिकल हैकर और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।